दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। चलती बस में दौड़ा करंट, सड़क पर झूलते तारों की चपेट में आने से हुआ हादसा। राजस्थान के सलूंबर में चाकूबाजी से बड़ा तनाव, लोगों ने 3 बाइक सवारों पर हमला कर घायल किया, पुलिस जाब्ता तैनात। डॉन देवा की 2 पत्नियां, दोनों रहती है साथ, दिलचस्प है कहानी। पुलिस ने पकड़ा तो युवक ने लगाए ठहाके, तलवार लहरा कर कहता रहा आज किसी को तो मारूंगा। लोग कहते रहे मेंटल, वो जीत लाई 3 नेशनल मेडल, कभी ताने मारते थे लोग। और अब खबरें विस्तार से। चलती ओवरलोड बस में अचानक करंट दौड़ने से 2 सगे भाइयों सहित 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। जान बचाने के लिए कई लोग बस से कूद गए। हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। रोड पर बिजली के लटकते तारों की चपेट में आने से हादसा हुआ। काफी संख्या में लोग छत पर बैठे थे। हादसा जैसलमेर में पोलजी की डेरी गाँव के पास मंगलवार सुबह 10 बजे हुआ। खिया और खुयाला गाँव के लोगों ने एक निजी बस किराए पर ली। बस से संत सदाराम के मेले में दर्शन करने गए थे। लौटते समय ओवरलोड बस में कुछ लोग बस की छत पर बैठे थे और बस की छत पर बैठे लोग सड़क पर लटके हुए तारों के संपर्क में आ गए और करंट लगने से झुलस गए। कुछ लोग बस से कूदने पर घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी भी मच गई। हादसे में राणा राम, नारायण राम पुत्र कीर्ताराम खिया और पद्माराम करना की मौके पर ही मौत हो गई। प्रभु राम गंभीर घायल हो गया, उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया। चिल्लाने की आवाज पर आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। एसपी भवन सिंह के अनुसार घायलों को जवाहर हॉस्पिटल लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। एक की गंभीर हालत को देखते हुए जोधपुर रेफर किया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही हॉस्पिटल के बाहर कुछ इस तरह से भीड़ इकट्ठा हो गई। प्रत्यक्षदर्शी पोलजी की डेयरी गांव के शरीफ खान ने बताया कि पीडब्ल्यूडी की ओर से सड़क निर्माण का काम चल रहा है। सड़क ऊंची होने से बिजली के तार नीचे आ गए हैं। बस ड्राइवर को शायद इसका अंदेशा नहीं रहा और तार से बस का संपर्क हो गया। शरीफ ने बताया कि बिजली विभाग को कई बार झूलते तारों की शिकायत भी की, इसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई। जिला परिवहन अधिकारी टीकाराम ने बताया कि बस 56 सीटर थी और उसके कागजात भी पूरे हैं। उन्होंने बताया कि बस में क्षमता से ज्यादा यात्री कितने थे, इसकी जांच की जा रही है। 8 घायल और झुलसे लोग बस की छत पर बैठे थे। बस में 60 से 70 के करीब सवारी बताई जाती है। उदयपुर के सलूंबर में समुदाय विशेष के लोगों के हमला करने से इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। सलूंबर में एक गुट के लोगों ने बाइक सवार 3 युवकों पर चाकू से वार करने से घायल कर दिया, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इनकी हालत गंभीर होने पर इन्हें उदयपुर रेफर किया गया। घटना की सूचना इलाके में फैलने के बाद स्थिति तनाव भरी हो गई। इलाके में उपजे तनाव के हालात के बाद थाना क्षेत्र में कोने कोने से पुलिस लगा दी गई है। थानाधिकारी ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल सलूंबर के गांधी चौक में देर रात बाइक सवार 3 युवकों पर एक गुट के युवकों ने हमला कर दिया, जहां बाइक सवार 3 युवक घायल हो गए। इसमें 2 की हालत नाजुक होने पर उन्हें रेफर कर दिया गया। वहीं इसके चलते भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया, जहां सलूंबर थानाधिकारी हनुमंत सिंह सोडा, जलारा के परमेश्वर पाटीदार और गेंगला थानाधिकारी सुरेश विश्नोई और उनकी पुलिस टीम के अलावा उदयपुर से अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किया गया। पुलिस ने इस संबंध में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गैंगवॉर में मारे गए डॉन देवा गुजर की निजी और सोशल मीडिया की लाइफ काफ़ी दिलचस्प थी। उसने 2 शादियां की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमेशा एक्टिव रहता था। उसके करीब 2,00,000 फॉलोअर्स हैं। यहां देवा रेगुलेटर स्टंट से लेकर मारपीट के वीडियो शेयर करता था। डॉन वाला लाइफस्टाइल उसे बेहद पसंद थी। सोशल मीडिया पर भी पॉपुलर डॉन देवा ने 2 शादियां की। उसके 8 बेटी और 1 बेटा है। देवा दोनों पत्नियों कालीबाई और इंदिराबाई के साथ एक ही घर में रहता था। पहली शादी से 8 लड़कियां हुई। लड़का नहीं होने के कारण उसने दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी से उसे एक लड़का हुआ। देवा दोनों पत्नियों के साथ के वीडियो और रील्स भी सोशल मीडिया पर शेयर करता रहता था। देवा ने कई बार इनके साथ शॉपिंग और करवा चौथ पूजा के वीडियो भी शेयर किए। डॉन के पास करीब 50 से ज्यादा लोगों की टीम थी। सोशल मीडिया पर देवा डॉन के नाम से फैन पेज भी बना रखा है। देवा अपने साथ एक कैमरामैन भी रखता था। देवा गुजर पर कोटा के आरकेपुरम थाने में कई केस दर्ज हैं। इसमें लूटपाट, अवैध वसूली और मारपीट जैसे मामले शामिल हैं। चित्तौड़गढ़ के कई थाना क्षेत्रों में भी उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। देवा ने 8 दिन पहले ही अपनी हत्या का अंदेशा जताया था। बताया जा रहा है कि उसने आरकेपुरम थाने में शिकायत में बताया था कि वो रावत भाटा प्लांट में लेबर सप्लाई का काम करता है। उसे 23 मार्च को आधा दर्जन लोगों ने मोबाइल पर कॉल कर प्लांट में ठेका ना लेने और जान से मारने की धमकी दी है। उसने इस बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल फोन में होने की बात कही थी। वहीं धमकी देने वाले आरोपियों में से एक को हत्या का दोषी भी बताया था, जो कि उससे 10,00,000 रुपये की डिमांड कर रहा था। एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि हमला करने वाला देवा गुजर का दोस्त था। कुछ महीनों से आपसी
आपसी लड़ाई के चलते यह हत्या हुई है। 8 से 10 दिन पहले भी देवा गुजर के दोस्त ने उसकी पत्नी के साथ मारपीट की थी और 26 मार्च को कोटा में रिपोर्ट भी लिखवाई थी कि उसकी जान को खतरा है। साल 2015 में देवा गुजर सहित 3 लोगों ने न्यायालय में पेशी पर गवाही देने आए एक युवक कैलाश धाकड़ से रावत भाटा हाट चौक बाजार में दिन दहाड़े लाठियों से मारपीट की। बेरहमी के साथ मारपीट में युवक के दोनों पैर कई जगह से तोड़ दिए गए थे। मारपीट का यह वीडियो पूरे रावत भाटा में सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। बांसवाड़ा में अजीब घटना घटी। यहाँ राहगीरों और आमजन को तलवार लेकर धमका रहे सिरफिरे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। खास बात यह रही कि पुलिस ने जैसे ही युवक को पकड़ा वह ठहाके लगाकर हंसने लगा। बोला कि आज वह किसी न किसी को तो मारकर ही दम लेगा। पुलिस ने जब पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है तो आग बबूला हो गया। पुलिस ने उसे पकड़कर तलवार को कब्जे में ले लिया। मामला बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ थाने के भंडवेल गाँव का है। अब अक्सर ऐसा होता है कि जब पुलिस पकड़ती है तो अपराधी के होश फाकता हो जाते हैं, वो डर जाता है या फिर कुछ नहीं तो खामोश ही हो जाता है। लेकिन यहाँ तो बात उल्टी हो गई। युवक ठहाके मारकर हंसने लगा। अब इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो युवक मानसिक रूप से परेशान है और या फिर पुलिस का खौफ नहीं। शिकायतकर्ता थाने के हेड कांस्टेबल कन्हैयालाल ने बताया कि वह दोपहर के समय भीलकुआं सज्जनगढ़ होते हुए गश्त में लासोड़िया जा रहे थे। तभी बीच रास्ते में भंडवेल चौराहे पर संजय पारगी पुत्र राम सिंह पारगी हवा में तलवार लहराते हुए राहगीरों को धमकाते हुए दिखा। जाप्ते ने युवक को घेरा डालकर पकड़ा तो वो हंसने लगा। धमकाने का कारण पूछते ही गर्म हो गया। आरोपी को पकड़ने के बाद उसके कब्जे से तलवार ले दी गई। युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है जिसे अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि आरोपी खेतीहर किसान है और शादीशुदा भी है। युवक के ऐसा करने का कोई कारण पता नहीं चल रहा है। पुलिस ने युवक के शराब पिए हुए होने का खुलासा नहीं किया है। घुमंतू समुदाय बावरिया से संबंध रखने वाले मजदूर टीकूराम और उनकी पत्नी नांती देवी की एक बेटी हुई। शुरू में बेटी रजनी बावरिया आम बच्चों की तरह ही थी, लेकिन उम्र बढ़ने के बाद भी उसकी एक्टिविटी 5 साल के छोटे बच्चे जैसी ही थी। परिवार झोपड़ी में रहता था और मजदूरी का काम करने वाले माता पिता खराब आर्थिक स्थिति के चलते उसका इलाज नहीं करवा पाए। मानसिक रूप से कमजोर अब 14 साल की उसी रजनी ने भुवनेश्वर उड़ीसा नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1500 मीटर दौड़ लंबी कूद में 2 सिल्वर मेडल और 400 मीटर दौड़ में 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। चलिए जानते हैं रजनी के हौसले की ये कहानी। रजनी की बड़ी बहन सरिता बावरिया ने बताया कि वे 6 भाई बहन हैं। पिता टीकूराम और माता नांती देवी दोनों मजदूरी करके अपना परिवार चलाते हैं। पहले सीकर शहर में बाहरी इलाके में झोपड़ियों में रहते थे और सरिता के इस पोस्ट में आने के बाद कोच महेश नेहरा ने ही मदद की और उन्हें 2 कमरों का एक घर बनवा कर दिया। इसके साथ ही रजनी के बाकी भाई बहनों को ट्रेनिंग दी। बड़ी बहन सरिता और भाई साबरमल कई खेलों में ऑलराउंडर हैं जिन्होंने स्टेट और नेशनल लेवल पर भी मेडल जीते हैं। रजनी की स्पोर्ट्स में रुचि देखते हुए उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग दी। पैसों के अभाव के चलते बिना जूतों के ही सड़कों बीहड़ों और सीकर के आसपास के पहाड़ों में प्रैक्टिस करवाई। रजनी मानसिक रूप से कमजोर है। जब वह दौड़ती तो लोग ताने मारते कि ये तो बावरिया जाति की है। रजनी बावरिया की बड़ी बहन सरिता ने बताया कि रजनी भले ही पढ़ाई में कमजोर है लेकिन उसने स्पोर्ट्स में हमेशा रुचि रखी। जब रजनी 5वीं क्लास में थी तब से ही वह लगातार प्रैक्टिस करते हुए आ रही है। स्कूल में भी उसे पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स के लिए भी हमेशा प्रोत्साहित किया जाता है। मेंटर महेश नेहरा ने बताया कि रजनी ने उड़ीसा नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1500 मीटर दौड़ 6.5 मिनट में पूरी की है। कुछ सेकंड के अंतर के कारण वह दूसरे नंबर पर रही। महेश ने बताया कि रजनी बिना जूतों के ज़्यादा तेज दौड़ती है और इसके साथ ही रजनी को पेड़ पौधों का भी काफ़ी शौक है। वह पेड़ पर लगे किसी भी फल को कुछ ही सेकंड में तोड़ कर ले आती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रजनी बावरिया के मेंटर महेश नेहरा खुद एक हाथ से दिव्यांग है। उन्होंने एशियन एथलेटिक्स में 1500 मीटर रेस में 4था स्थान प्राप्त किया था। नेशनल स्तर पर वॉलीबॉल भी खेला हुआ है। राज्य का महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। रजनी को ट्रेनिंग उनकी बड़ी बहन सरिता ने ही दी है लेकिन महेश समय समय पर रजनी को गाइड करते रहते थे। पिछले 1 साल से महेश रजनी को गाइड करते हैं और 1 साल से उन्होंने सीकर की ही एक रेजिडेंसी के खेल ग्राउंड में प्रैक्टिस करवाई। चैंपियनशिप शुरू होने से पहले महेश रजनी को अपने साथ जयपुर ले गए। यहाँ उन्होंने खुद के खर्चे पर रखा और 1 महीने तक जयपुर में प्रैक्टिस करवाई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा सीकर के प्रिंसिपल बनवारी लाल ने बताया कि खराब हालत के बावजूद अभिभावकों ने इनको सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और इनके उच्च लक्ष्य और कठिन परिश्रम का ही परिणाम है कि रजनी इस मुकाम तक पहुंची। इसका लक्ष्य 1 दिन पैरा ओलंपिक एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल प्राप्त कर देश का नाम रोशन करने का है।
इंदौर की स्टार्टअप कंपनी मोशन गिलिटी को बेस्ट परफॉर्मिंग क्रिएटिव स्टार्टअप की सूची में देश में दूसरा स्थान मिला है। इंटरनेशनल रेटिंग एंड रिव्यू एजेंसी क्लच ने बेस्ट परफॉर्मिंग क्रिएटिव स्टार्टअप में सूची में शामिल किया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन द मैनिफेस्ट ने इंटरनेशनल लेवल पर पहले नंबर पर और सिलिकॉन इंडिया मैगजीन ने टॉप 10 में जगह दी है। मोशन गिलिटी के ओनर 26 साल के हिमांशु चतुर्वेदी ने 3 साल पहले स्टार्टअप शुरू किया। अब हार्ले डेविडसन, डिज्नी और पोर्शे जैसी कंपनियां उनकी परमानेंट क्लाइंट बन गई है। हिमांशु कहते हैं कि पिता दादाजी के साथ खेती करते थे और इसी से घर चलता था। पिता ने 9 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए इंदौर भेज दिया और इसके 1 साल बाद उनका निधन हो गया। दादाजी जैसे तैसे 3,000 रुपए भेजते थे, महीने भर का खर्चा इसी से निकालना पड़ता था। दादा 3 बहनों का भी पालन पोषण कर रहे थे तो घर की परिस्थितियों को देखते हुए ठान लिया था कि कुछ बड़ा करना है। बचपन से कार्टून का शौक था, सोचता था कि मैं कार्टून की दुनिया में चला जाऊं। समझ आई तो कार्टून बनाने लगा और इसके लिए जिद की कि एनिमेशन का कोर्स करना है। दादाजी ने जमीन गिरवी रखकर कोर्स करने के लिए पैसे जुटाए। कोर्स पूरा करने के बाद जॉब लगी। मैं कंप्यूटर क्लास में एनिमेशन ट्रेनर बन गया। स्कूल के समय से मेरी दोस्त रही कोमल को स्कॉलरशिप मिली और उसी से रुपए लेकर एनिमेशन कंपनी मोशन गिलिटी की शुरुआत की। कोमल ने काम ढूंढने में भी मेरी मदद की और उसने ऑनलाइन विदेशी कंपनियों में काम ढूंढना शुरू किया। पहला काम एक कंपनी का लोगो बनाने का मिला जिसके लिए 600 रुपए मिले। इसके बाद इंदौर में हुए भारत और साउथ अफ्रीका के मैच में इंदौर की ही एक कंपनी ने अपना प्रमोशन एड बनाने के लिए देर रात संपर्क किया। इस कंपनी ने जिसे काम दिया था वह कंपनी काम नहीं कर पाई और उन्हें सिर्फ एक दिन में यह वीडियो चाहिए था। इसके लिए पूरी रात और दिन बैठकर एड तैयार किया। इसके लिए 25,000 रुपए मिले। इस एड के बाद मुझे काम मिलने लगा। काम बढ़ा तो विजयनगर की एक बिल्डिंग के बंद पड़े पेंट हाउस को किराए पर लेकर ऑफिस खोल लिया। फिर अक्टूबर 2018 में नया ऑफिस लिया। अब मेरे साथ 50 लोगों की टीम है। आज हमारे पास इतना काम है जिसे पूरा नहीं कर पाते, लेकिन समय पर अच्छी सर्विस देना ही लक्ष्य है। हिमांशु बताते हैं कि वे विश्व के कई देशों की बड़ी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। डिज्नी जैसे विश्व के सबसे बड़े एनिमेशन हाउस के लिए भी एनिमेशन तैयार करते हैं। एक्सिन सहित कई विदेशी चैनल्स के लिए भी स्थायी तौर पर काम कर रहे हैं, जबकि पोर्शे, मर्सिडीज, हार्ले डेविडसन, HDFC, ICICI बैंक, एडनॉक, UAE की तेल निर्यातक कंपनी के लिए स्थायी तौर पर काम करते हैं। हिमांशु की कंपनी की मार्केट वैल्यू 50 करोड़ रुपए है, जबकि सालाना टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक है। हिमांशु ने अपनी कंपनी में 10,000 से लेकर 1,00,000 रुपए सैलरी पर क्रिएटिव हेड, कंसेप्ट हेड जैसी नौकरियां दी हैं। वहीं हिमांशु ने 3 साल में अपनी सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। वे अपनी ही कंपनी में मात्र 15,000 रुपए प्रतिमाह में काम कर रहे हैं। हिमांशु ने अपनी कंपनी में इस वक्त 50 लोगों को रोजगार दे रखा है। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।